हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइस आज के वीडियो में मैं आपको 8 नंबर के कान्हा जी की कैप बनाना बताऊंगी। ये हम बहुत आसानी से बना लेंगे कैप। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ये देखिए, हमने ये फैब्रिक लिया है और इसकी लंबाई हमने यहाँ पर 5.5 इंच रखी है और इसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर 13 इंच रखी है। हम ये 8 नंबर के कान्हा जी के लिए कैप बना रहे हैं। आपकी जो जितनी भी कमर होगी उसके आप उसको आपको डबल करना है। हमारी जो कान्हा जी की कमर थी वो 6.5 इंच थी। ये देखिए, हमने इसको फोल्ड कर लिया है, ये 6.5 इंच आ गई है। 6.5 इंच को अगर हम डबल करेंगे तो हमारा 13 इंच आ जाएगा। ऐसे ही आप किसी भी नाप की कैप बनाएंगे, आपकी जो कमर होगी आपको उसका डबल लेना है और उसको डबल लेने के बाद यहाँ पर ऐसे करके फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर एक पैर के मार्जिन की सिलाई लगानी है। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक पैर की सिलाई लगा ली है। मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देती हूँ। ये देखिए, अब इसको हम यहाँ पर पलट लेंगे। ये देखिए गाइस, हमने इसको यहाँ पर बहुत ही आसानी से पलट लिया है। इसको पलटने के बाद हम इसको यहाँ पर सेट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसको यहाँ पर प्रेस से सेट कर लिया है। अब यहाँ पर हम एक लंबी लाइन ड्रॉ करेंगे। हमें ये लाइन 1/2 इंच के मार्जिन से यहाँ पर पहले ऐसे करके मार्किंग कर लेते हैं, 1/2 इंच के गैप पर। ये देखिए, हमने यहाँ पर 1/2 इंच के गैप से मार्क कर लिया है। अब यहाँ पर हम ऐसे करके एक लंबी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक लंबी लाइन ड्रॉ कर ली है। अब हम यहाँ पर इस लंबी लाइन पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ इस लंबी लाइन की सिलाई लगाने के बाद हम यहाँ पर एक पैर की सिलाई और लगाएंगे इसकी बिल्कुल पास में ही इतनी गैपिंग पर। हम यहाँ पर इतनी गैपिंग पर एक सिलाई और लगाएंगे। ऐसे ही करके यहाँ पर हमें 2 सिलाई लगा लेनी है पूरी लंबी लंबी। ये देखिए, हमने यहाँ पर 2 सिलाई लगा ली है। ये देखिए, मैं आपको उसको दूसरी साइड से दिखा देती हूँ, आपको देखने में आसानी रहेगी। ये देखिए, हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी। अब यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे। हम अपनी इलास्टिक को ऐसे पकड़ के यहाँ पर खींचेंगे, यहाँ पर रखेंगे और उसको यहाँ पर सबसे पहले सेट कर लेंगे और फिर हम यहाँ पर इलास्टिक को ऐसे करके जितना हो सके उतनी इलास्टिक को खींचनी है और उसको खींच कर यहाँ तक लगा देना है। फ्रेंड्स, हम अपनी इलास्टिक को सबसे पहले ऐसे करके मेजरमेंट करके यहाँ पर, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं करनी है, इसको इलास्टिक को ऐसे करके खींच कर यहाँ पर लगा देना है। ये देखिए, हमारी इलास्टिक यहाँ तक आ रही है। अब हम जो फालतू इलास्टिक है उसको कट कर देंगे। ये देखिए, हमारी जो इलास्टिक है, हमारी इतनी इलास्टिक इसमें लग जाएगी। अब हम सुई धागा लेंगे, सुई धागे की मदद से यहाँ पर इलास्टिक को ऐसे करके इसके अंदर डालेंगे और उसको डालने के बाद हम यहाँ पर इसको इसके अंदर डाल देंगे। हम अपनी यहाँ पर सुई को ऐसे करके उल्टा डालेंगे इसमें। ये देखिए, हमें यहाँ पर ऐसे करके अपनी इलास्टिक को डालना है। और ऐसे ही करके हमें अपनी पूरी इसमें इलास्टिक डाल लेनी है। ये देखिए, हमने यहाँ पर इसको ऐसे करके बाहर निकाल लिया है अपनी सुई को। अब यहाँ से हम इसको अपनी इलास्टिक को ऐसे करके अंदर डाल लेंगे, धागा खींच लेंगे और हमें इलास्टिक अंदर आती चली जाएगी। और ये देखिए, हमारी इलास्टिक जब यहाँ तक अंदर आ जाए तो हमें यहाँ पर एक सिलाई कर लेनी है जिससे हमारी इलास्टिक यहाँ पर सेट हो जाएगी। आप चाहे तो सुई धागे की मदद से इसको यहाँ पर सेट कर सकते हैं, आप यहाँ पर चाहे तो सिलाई भी लगा सकते हैं। हम यहाँ पर सुई धागे की मदद को यहीं पर ही सेट कर लेते हैं। ये देखिए, हम इसको यहाँ पर ऐसे करके सेट कर लेंगे सुई धागे की मदद से जिससे हमारी इलास्टिक इधर उधर नहीं होगी। ये देखिए, हमने इसको यहाँ पर पक्का कर लिया है सुई धागे की मदद से। हम यहाँ पर एक नोट और लगा देते हैं। ये देखिए, हम यहाँ पर इसको पक्का कर लिया है। अब यहाँ पर ये देखिए हमारा धागा था, हम इसको ऐसे पकड़कर खींचेंगे और हमारी इलास्टिक बाहर, ये देखिए हमारी दूसरे साइड से भी इलास्टिक बाहर आ चुकी है। इसको भी हम ऐसे ही यहाँ पर सुई धागे की मदद से पक्का कर लेंगे।
और ये देखिए सुई धागे की मदद से इसको पक्का करने के बाद यहाँ पर भी नोट लगा देंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर भी नोट लगा लिया है। अब हम यहाँ पर एक्स्ट्रा धागे को अपने कट कर देंगे और ये देखिए हम इसको यहाँ पर ऐसे पकड़ के खींचेंगे जिससे हमारी इलास्टिक है जो वो इक्वल आ जाएगी। ये देखिए हमने इसको यहाँ पर ऐसे करके खींच लिया है। अब यहाँ पर हम इसको ऐसे करके उल्टा करेंगे और उसको उल्टा करने के बाद यहाँ पर एक सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ पर सिलाई लगा ली है, मैं आपको दूसरी साइड से दिखा देती हूँ। अब हमें सुई धागा लेना है और सुई धागे की मदद से यहाँ पर ऐसे करके छोटी छोटी सिलाई लगा लेनी है। ये हमें सिलाई जो है उल्टी तरफ ही लगानी है, ऐसे करके हम यहाँ पर पूरी गोलाई में सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए हमने यहाँ तक इसको सिल लिया है। अब सिलने के बाद हम धागे को ऐसे करके खींच लेंगे और इसको खींचने के बाद ये देखिए हमारा फैब्रिक कुछ इस टाइप से इकट्ठा हो गया है। अब इसको यहाँ पर इकट्ठा करने के बाद हम इसको यहाँ से भी अच्छी तरह सिल देंगे अपने फैब्रिक को। और देखिए लास्ट में यहाँ पर दो नोट लगा देंगे जिससे हमारा जो धागा है वो खुलेगा नहीं। ये देखिए हमने यहाँ पर उसको सिल लिया है, मैं आपको उसको सीधा करके दिखा देती हूँ। ये देखिए हमारे सीधा करने के बाद हमारी टोपी का गेटअप कुछ इस टाइप से आया है। अब हम यहाँ पर एक छोटी सी बो बनाकर लगाएंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि बो कैसे बनाते हैं। बो बनाने के लिए हमने यहाँ पर फैब्रिक लिया है, इसको हमने स्क्वायर में कट कर लिया है, इसको हमने 2 इंच पर स्क्वायर में कट किया है। अब इसको हम यहाँ पर ऐसे करके उल्टा करेंगे, उसको हल्का सा फोल्ड यहाँ से करेंगे, हल्का सा फोल्ड इधर से करेंगे और फिर एक फोल्ड इधर से करेंगे और एक फोल्ड हम इधर से करेंगे। इसको ऐसे करने के बाद अच्छे से फोल्ड कर लें और फोल्ड करने के बाद देखिए कुछ इस टाइप से आया है। अब हम सबसे पहले इसको पीछे से सिल लेते हैं। ये देखिए हमने अपने फैब्रिक को अच्छे से सिल लिया है, हमारी आगे सिलाई भी नहीं दिख रही है। अब इसको सिलने के बाद हम यहाँ से ऐसे करके छोटी छोटी सिलाई लगाएंगे। ये देखिए कुछ इस टाइप से हम यहाँ पर ऐसे ही करके सीधी सिलाई लगानी है। ये देखिए हमारी सीधी सिलाई लग चुकी है। अब यहाँ से हम इसको ऐसे पकड़ कर खींच लेंगे। ये देखिए खींचने के बाद हमारे पास कुछ इस टाइप से हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसको पक्का कर देंगे। ये देखिए हमारे पास कुछ इस टाइप से वो बनकर आ चुकी है। इसको हम अच्छे से पक्का कर लेंगे और यहाँ पर साथ साथ नोट लगा देंगे। ये देखिए हमारे पास कुछ इस टाइप से वो बनकर आ चुकी है। अब यहाँ पर हम इसमें मोती लगाएंगे, हमारे पास ये गोल्डन कलर की मोती हैं, हम इसको यहाँ पर लगाएंगे। ये हमारे पास मोती जॉइंट है, हम ये इसको यहाँ पर ऐसे करके सेट कर देंगे और यहाँ पर इसको लगा देंगे। हम इसको फिर से यहाँ पर लाकर दोबारा पक्का कर लेंगे और उसको पक्का करने के बाद फिर से यहाँ पर दोबारा नोट लगा देंगे जिससे हमारे मोती हिलेंगे भी नहीं और निकलेंगे भी नहीं।
देखिए हमने यहाँ पर डबल नोट लगाकर इसको पक्का कर लिया है और हमारी बो बनकर रेडी है। अब हम अपनी कैप लेंगे और अपनी कैप की जो हमारी इलास्टिक है उसी इलास्टिक पर यहाँ पर ऐसे करके रखेंगे और उसको यहाँ पर साथ साथ जॉइंट कर देंगे। गाइस ये देखिए हमारी बो बनकर लग चुकी है और ये देखिए हमारी बो बनने के बाद हमारी जो कैप का गेटअप है कुछ इस टाइप से आया है। ये देखिए मैं इसको आपको अपने कानाजी को पहना कर दिखा देती हूँ कि हमारी जो कैप है वो हमारे कानाजी पर कैसी लग रही है। और फ्रेंड्स चलिए देखते हैं कि अपने कानाजी को पहना कर कैप को। गाइस ये देखिए हमारे कानाजी हैं और इनको हम यहाँ पर ऐसे करके अपनी कैप पहनाएंगे। ये देखिए और गाइस ये देखिए कितनी आसानी से हमारे कानाजी को एक कैप फिट आ गई है। और गाइस ये देखिए हमारी जो कैप का गेटअप है वो कुछ इस टाइप से आया है। और फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।